आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसए न्यूज। तेलंगाना वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेहराज के साथ मिलकर सैयदनगर अहमदनगर डिवीजन में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इसमें शामिल कोऑप्शन मेंबर इंजीनियर महमूद हुसैन व सदर मोहतमदीन सरगरम कारकुन भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे फेरोज खान की ये रिपोर्ट। इधर देखो मो इधर देखो मेरा नहीं है कुछ, एरिया मेरा है, मेरा हो गया है पहले बैठे थे गेस्ट हाउस में, नहीं था फिर भी सैयद नगर में एक बस्ती दवाखाने का इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के टी रामाराव साहब के हाथों हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज के टी रामाराव साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऐसे तो आते रहे और ये बस्ती दवा जरूरी है, चूँकि सैयद नगर लोकेलिटी जो है वो एकदम गरीब लोकेलिटी है, जिसकी मैं मेरी पार्टी की जानिब से के टी रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ख़ास तौर से हमारे यहाँ के सैयद नगर के जितने भी लोग हैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, इसका आप लोग भरपूर फायदा उठाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे मुल्क में जैसे अगर कोई भी अगर आप शहर लें पूरे मुल्क में आज हिंदुस्तान में ऐसी सहूलत कहीं और नहीं है। 350 जो बस्ती दवाखाना मंजूर किए गए उनमें से आज 224 इनॉग्रेट हो चुके और इस महीने के अंत तक 275 इनॉग्रेट हो जाएंगे। इससे जितने भी आज गरीब आवाम हैं उनके लिए, खास एक कोरोना की वजह से जो लोग बहुत परेशान हैं उनके लिए आज यहीं पे आपको हर सहूलत मिलेगी। आपका इस दवाखाना में आपका पूरा परीक्षा और उसके साथ ही साथ दवा भी आपको दिया जाएगा। बहुत पॉपुलर हो चुका पहले ही, अभी तक बहुत पॉपुलर भी हो गया ये, 100 से ज़्यादा लोग हर दिन आउट पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं। मैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का और चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि 350 मंजूर किए गए जिनमें से अभी 224 शुरू भी हो गए और इसकी पूरी तरह से फ़ायदा, जैसा अभी एमएलए साहब ने जाफर साहब ने कहा, पूरी तरह से फ़ायदा लोग उठाएं और जहां और चाहिए, जहां अगर कोई गरीब बस्ती है और एक बस्ती दवाखाना भी चाहिए तो मंजूर करने के लिए हुकूमत तैयार है, मैं वादा करता हूँ। शुक्रिया बहुत।